हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं ईशा फिर से आपको अपने चैनल पर वेलकम कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो हेल्थ से रिलेटेड है, जो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल हो सकती है जी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तो वीडियो है दांतों से मुतल्लक, के दांत पीले हो जाते हैं, कोई चीज़ खाते हैं तो मसूड़ों से खून आने लग जाता है। मुख्तलिफ़ किस्म के टूथपेस्ट इस्तेमाल कर चुके हैं, लेकिन मसूड़े हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर तर होते चले जा रहे हैं। एक बात तो आप ख़ास तौर पर नोट कर लीजिए कि सफाई निसफ ईमान है। जैसे आप अपने बदन की सफाई रखते हैं, इसी तरह आपको अपने दांतों की भी सफाई रखना पड़ेगी। दांतों की सफाई के बारे में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मुख्तलिफ़ मुकाम पर फरमाया है कि मसवाक मुंह को बहुत ज़्यादा पाक करने वाली और अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा खुश करने वाली चीज़ है। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी सोने लगते तो मसवाक करते, नमाज़े तहज्जुद के लिए उठते तो मसवाक करते। एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत पर दुश्वार ना होता तो मैं पाँचों नमाज़ों में मसवाक करने का हुक्म देता। इसलिए वो नमाज जिसके लिए मसवाक की गई हो, इसका सवाब 70 गुना रख दिया गया है। पारिया का मरज अमूमन बच्चों में पाया जाता है, क्योंकि बच्चे मीठी टाफियां, मीठी गोलियां वगैरह खाते हैं। बड़ों में भी ये मर्ज पाया जाता है। इसकी बड़ी वजह है दांतों की सफाई ना करना, रात ऐसे ही सो जाना। हल्की फुल्की पलाहट से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी इतनी ज़्यादा वजूहात होती हैं, इन सब से बचना मुमकिन नहीं है। ये ना खाएं, वो ना खाएं, ठंडा गर्म ना खाएं, सिगरेट ना पिएं, मुंह खोल कर ना सोएं वगैरह, इस पर अमल करें तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। मैं फिर से कहूँगी, दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है। आप मसवाक करें या किसी दूसरी चीज़ से दांत साफ़ करें, लेकिन अपने दांत साफ़ ज़रूर करें। दांतों की पिलाहट दूर करने के लिए कोई उल्टे सीधे काम ना करें, कोई ऐसे वैसे तजर्बे ना करें जिससे आपके दांत ख़राब हों। डेंटिस्ट से आप अगर दांत साफ़ करवाते हैं तो दांत गोरे तो हो जाएंगे, लेकिन ये आपके दांतों को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर आऊँगी बहुत ही आसान चीज़ की तरफ, तो वो है किक्कर, जिसके मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में मुख्तलिफ़ नाम हैं। देसी किक्कर की फ्रेश शाल आपके बहुत ही काम आ सकती है। इस तरह की फ्रेश शाल आप देसी किक्कर से छुरी की मदद से उतार लें। ये शाल पुराने ज़माने में लोग मुंह के ज़ख्मों, मसूड़ों से खून आने की सूरत में मुंह में रखकर चबा लिया करते थे। नरम मसूड़े, हिलते हुए कमज़ोर दांत ठीक हो जाते थे। इस शाल को आपने उबलते हुए पानी में डाल देना है और इसको अच्छी तरह बॉयल करें। किक्कर की ये शाल अपना कलर छोड़ दे तब तक आपने इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप इस पानी को छान लें, किसी बोतल में डालकर रख लें। दिन में 3 दफ़ा 2 मिनट के लिए कुल्ली करें। आपके पास ये एक बेहतरीन माउथ वॉश तैयार हो चुका है। अगर आपके दांत में दर्द है तो इसमें 4 से 6 लौंग ऐड कर लें। अगर दांतों की और भी अच्छे से सफाई चाहते हैं तो खाने का सिरका भी इसमें मिला सकते हैं। अगर मुंह से बदबू वगैरह आती है तो 1 चम्मच नींबू का रस और 2 चम्मच गुलाब का अर्क भी इसमें मिला लें। ये सब आपकी अपनी ज़रूरत पर डिपेंड करता है। अगर मसवाक यूज़ करें तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वो भी आप किक्कर की ही यूज़ करें। मसवाक के हवाले से मैं वीडियो के स्टार्ट में बता चुकी हूँ, मसवाक सफाई भी, सेहत भी और सवाब भी जी। तो नाजरीन, ये थी मेरी छोटी सी और यूनिक सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।